अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा देश भर में सेल्फी विद कैंपस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत परिषद के सदस्य युवा छात्र छात्राओं को परिषद की विशेषताओं के बारे में बताकर इससे जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में परिषद द्वारा बुधवार को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में सेल्फी विद कैंपस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परिषद के लोगों ने छात्रों को परिषद की स्थापना के उद्देश्य और इससे जुड़ने के फायदे बताए। इस मौके पर परिषद के महानगर महामंत्री सौरभ कुमार गौड़, अंशुमान पाठक, मयंक राय, शक्ति सिंह, अमृता गुप्ता, निहाल सिंह सहित कई अन्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के सौरभ कुमार गौड़ ने कहा, मेरा नाम सौरभ कुमार गौड़ है। विद्यार्थी परिषद महानगरी परिषद का एक आयाम है, एक ऐसा आयाम जिससे देश भर में जितने भी विद्यालय हैं जहाँ तक विद्यार्थी परिषद का पहुँच नहीं है या जहाँ विद्यार्थी परिषद काम करती है उसमें विद्यार्थियों से मिलना, वहाँ के शिक्षकों से मिलना, वहाँ के प्रधानाचार्य से मिलना, अपने आयाम के बारे में बताना, और इसके माध्यम से हम लोग विद्यार्थियों से जुड़ना चाहते हैं। गाँव के दूर दूर के ऐसे विद्यार्थी जो हमारे बारे में नहीं जानते हैं या जो हमारे बारे में गलत धारणा रखते हैं, उनको अपने बारे में बताना, अपने आयामों के बारे में बताना, अपने कार्यों के बारे में बताना और अपने सभी चीज़ों के बारे में बताना जो हम लोग प्रत्येक वर्ष करते रहते हैं। तमाम तरह के बौद्धिक काम, सांस्कृतिक काम और जो तरह तरह की प्रतियोगिताएं करते रहते हैं उसमें विद्यार्थियों को जोड़ना, शिक्षकों को जोड़ना और स्कूल को जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अभी आपने बताया आयाम को बताना है, क्या आयाम है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका विद्यार्थियों से सबसे पहला उद्देश्य है कि विद्यार्थियों से जुड़ना, क्योंकि काफ़ी तादाद में जो विद्यार्थी हम लोग से छूट जाते थे या तरह तरह के ऐसे लोग जो विद्यार्थियों से उनसे हम लोगों के बारे में गलत गलत धारणा उनके मन में प्रवेश करा देते थे कि विद्यार्थी परिषद ऐसा है, विद्यार्थी परिषद वैसा है, जैसे कि बस आंदोलन करती रहती है, कोई चीज़ नहीं करती है, या तरह तरह की ऐसी विचारधारा जो उनके अंदर हम लोग नहीं करते हैं उसका प्रवेश कराना, जैसे कि बस इनका काम जो है कि धरना प्रदर्शन करना है, विद्रोह फैलाना है, इसी तमाम तरह की जो सोचें हैं वो विद्यार्थियों से मिल के और उनके प्रबंधक से मिलके, शिक्षकों से मिलके वो जो पूरी तरह से गंदी भावनाएं हैं उसको ख़त्म करना है।